नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल, मेरे यानी सारा सिंह के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। मुंबई बोरीवली पूर्व गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नायक को पद्म भूषण मिलने के उपलक्ष्य में सांसद गोपाल सेट्टी, भाजपा मुंबई अध्यक्ष अधिवक्ता आशीष सलार द्वारा हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक के उपस्थित में भव्य सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में अपना विचार रखने वाले मुख्य रूप से सांसद गोपाल शेट्टी, गजानन कीर्तिकार, भाजपा विधायक सुनील राणे, गणेश खनकर, जयप्रकाश ठाकुर शामिल थे। अंत में पद भूषण से सम्मानित राम नायक जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुंबई कांदिवली पश्चिम सचिन तेंदुलकर जिम खाना में अखिल वैश्य समाज भारत का दिनांक 10 मार्च रविवार को बैठक रखी गई, जिसमें भारत वर्ष के विभिन्न प्रांतों के वैश्य समाज के विभिन्न घटक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से वैश्य समाज के कुल गुरु और उनके मठ संस्था के विकास पर चर्चा हुई। चर्चा में मुख्य रूप से भाग लेने वाले अशोक नर, विवेक मांगेकर, परवीन से सुरेश लाड, संजीव सावंत, प्रभात आर्यभट्ट, रोनिया वैश्य समाज मुंबई के अध्यक्ष शुभ नारायण शाह के साथ काफी संख्या में वैश्य समाज के लोग शामिल थे। मुंबई वानिका दर्पण के प्रधान संपादक शुभ नारायण शाह का जन्मदिन धार्मिक ईश्वर दर्शन पूजा द्वारा संपन्न हुआ। शाहजी सर्वप्रथम मुंबई प्रभा देवी श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन पूजा, फिर मिथिला हनुमान मंदिर में भगवान राम हनुमान के दर्शन पूजा तत्पश्चात अपने लड़की डॉक्टर सुनीता शाह एवं संगे संबंधियों के साथ केक काटकर खुशियां मनाई। उनको बधाई देने वाले मुख्य रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष गणेश खनकर, भाजपा मुंबई बिहार प्रकोष्ठ के महामंत्री प्रदीप साहू, अवधेश पासवान, वासुदेव महादकर, संजय माने, मोहित भाई, बापू जगताप और साथ ही काफी संख्या में उनके शुभ चिंतक शामिल थे। शाहजी ने सभी बधाई देने वाले को शुभ चिंतक का आभार प्रकट किया। आशा है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।